अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान, आप देख रहे हैं टेकोज। आज हम लोग करने वाले हैं रेडमी 9A की अनबॉक्सिंग और मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इस स्मार्टफोन के बारे में। शाओमी का अब इसके बारे में कहना है कि इसके अंदर हमें मिलता है डिस्प्ले कमाल, बैटरी धमाल, यही शाओमी की टैगलाइन है। सो हम लोग देखेंगे कि क्या हम इसके अंदर जो डिस्प्ले मिल रहा है वो कमाल है या फिर नहीं, और जो बैटरी मिल रही क्या वो धमाल है या फिर नहीं। इस फ़ोन का आप लोगों को बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर फुल डिटेल के अंदर रिव्यू भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो रेडमी 9A को लेकर तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। रिव्यू वाली वीडियो के अंदर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं कवर अप कर दूंगा। जल्दी से हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। ओके जी, तो यह है रेडमी 9A का बॉक्स। बॉक्स का डिजाइन टिपिकल हमें रेडमी 9 सीरीज जैसा ही मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर फोन बना हुआ है जबकि टॉप के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर मेंशन किया गया कि इसके अंदर हमें 12 मंथ की टैक्स से राहत की वारंटी मिल जाती है। लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर यह चीज मेंशन की गई है कि इसके अंदर हमें गूगल के एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। जबकि टॉप साइड के ऊपर हमें पीटीए की वेरिफिकेशन वाला स्टिकर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं बॉटम वाली साइड की तो बॉटम वाली साइड के ऊपर कलर को मेंशन किया गया, जो हमारे पास कलर वो है ग्रेनाइट ग्रे। 2GB की रैम है जबकि 32GB की हमें इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। जल्दी से मैं इसकी पैकिंग को रिमूव कर लेता हूं। सो अगर हम लोग यहाँ पर कंटेंट्स की बात करते हैं तो हमें बाहरी एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, उसके अलावा सिम टूल मिलता है, वारंटी कार्ड और क्विक गाइड का पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें जो चार्जर मिलता है उसके अंदर हमें 10 वाट की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि इस चार्जर के साथ हम लोग मैक्सिमम इस स्मार्टफोन को 10 वाट तक चार्ज वो कर सकेंगे। उसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाती है। इन सारी चीज़ों को साइड के ऊपर करके हम लोग आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ जो कि इस पेपर के अंदर है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसको बाहर निकालने के बाद हमें फ़ोन के ऊपर एक स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर इस फोन की कुछ की हाईलाइटिंग चीजों को मेंशन किया गया जिनके बारे में हम लोग आगे चल के वीडियो के अंदर बात करते हैं। इसको रिमूव करके मैं सबसे पहले फोन को टर्न ऑन कर लेता हूं। जितनी देर के अंदर हमारा फोन टर्न ऑन हो रहा है हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। यहां पर राइट साइड के ऊपर हमें पावर बटन मिल जाता है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। टॉप साइड के ऊपर हमें इसके अंदर 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लेफ्ट वाली साइड की तो यहां पर हमें सिम ट्रे मिल जाती है। नीचे वाली साइड के ऊपर हमें माइक्रोफोन मिल जाता है, चार्जिंग की पोर्ट मिल जाती है और एक स्पीकर ग्रिल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस फोन की बिल्ड की तो इसके अंदर हमें टोटली टॉप अप प्लास्टिक की बिल्ड ही मिलती है। इस फोन को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करते हैं। ओके जी, तो हमारा रेडमी 9A यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है। जो पहली चीज इस स्मार्टफोन के बारे में मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है इसका बैक साइड के ऊपर डिजाइन। बैक साइड के ऊपर हमें एक ही कैमरा का लेंस मिल रहा है, लेकिन हमें जो बैक साइड के ऊपर डिजाइन मिल रहा है, जो उसकी प्लेसमेंट मिल रही है लेंस के नीचे, हमें फ्लैश दिया रेडमी ने। जो ओवरऑल इसकी बैक साइड के ऊपर लुक है, जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि इसको काफी एक यूनिक सी लुक देता है। इस किस्म का डिजाइन आई थिंक मैंने किसी और स्मार्टफोन के अंदर नहीं देखा। दूसरे अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को लगता है कि बैक साइड के ऊपर दो कैमरा के लेंसेज हैं। ओवरऑल जो बैक साइड के ऊपर डिजाइन है वो काफी ज्यादा डिसेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्ले कमाल के बारे में, इसके अंदर हमें मिलता है 6.53 इंच का डॉट ड्रॉप डिस्प्ले 720p की रेजोल्यूशन के साथ 400 nits की इसके अंदर हमें ब्राइटनेस मिल जाती है। यह जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा देखने के अंदर मुझे कमाल का लग रहा है, जिसके अंदर हमें कंट्रास्ट मिल रहा है, जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अगर हम लोग डिस्प्ले की इन स्पेसिफिकेशंस को एक साइड के ऊपर करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले के अंदर हमें जो फीचर्स मिल रहे हैं जिनको लेके इसका जो डिस्प्ले आप लोग उसको कह सकोगे कि ये वाकई में एक कमाल डिस्प्ले है। इसके डिस्प्ले के अंदर हमें सनलाइट मोड मिल जाता है, रीडिंग मोड मिल जाता है, कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब डिस्प्ले के अंदर ये वाले जो फीचर है मुझे नहीं लगता कि और कोई स्मार्टफोन कंपनी इस प्राइस टैग के अंदर हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है वो वाकई में आप लोग कह सकते हो कि एक कमाल डिस्प्ले है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं कैमराज की तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 5MP का सेल्फी कैमरा। अब इसके फ्रंट वाले कैमरा के अंदर और बैक वाले कैमरा के अंदर हमें जो फीचर मिल रहे हैं मुझे उनके ऊपर देख रहे ये लग रहा था कि शाओमी को इसके अंदर कैमरा कमाल का जो एक टैग है वो भी ऐड कर देना चाहिए था। फ्रंट के ऊपर हमें ब्यूटी मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, HDR मोड मिल जाता है, स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन भी मिल जाता है और जो पाम शटर वाला ऑप्शन है वो भी फ्रंट वाले कैमरे के अंदर शाओमी ने हमें दिया है। अब इसके फ्रंट वाले कैमरे के अंदर जो पिक्चर की क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा अभी तक के लिए डिसेंट लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट की कंडीशन वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसका जो फुल डिटेल के अंदर टेस्ट है हम लोग फुल रिव्यू वाली वीडियो के अंदर करेंगे। फ्रंट वाले कैमरे के साथ हम लोग 720p की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग आते हैं बैक साइड के ऊपर तो बैक साइड के ऊपर हमें मिलता है 13MP का कैमरा। अगेन यहाँ पर बैक वाले कैमरा के अंदर भी हमें जो छोटे छोटे फीचर्स मिल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। इसके अंदर हमें बैक साइड के ऊपर फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, HDR, पोर्ट्रेट, फेस रिकॉग्निशन, ब्यूटी मोड और टाइम लैप्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर जो बैक वाले कैमरा की क्वालिटी वो काफी ज्यादा मुझे
अच्छी लग रही है, इसको भी हम लोग अच्छी तरह टेस्ट आउट करेंगे रिव्यू वाली वीडियो के अंदर। बैक वाले कैमरा के साथ हम लोग 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। और अगर हम लोग बात करते हैं Redmi 9A की परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर Redmi ने हमें दिया MediaTek का Helio G25 प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है। MediaTek का G25 प्रोसेसर के बारे में ये कहना है, उनकी एक टैगलाइन ये है कि इसके अंदर आप लोगों को स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, पावर एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी और लो लेटेंसी का रेट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। MediaTek के ये जो जी सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, अगर आप लोग किसी भी प्राइस टैग के अंदर चले जाते हो, इनके अंदर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस मिल रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही होती है इस प्राइस रेंज के अंदर। अब ये वाला जो फ़ोन है, Redmi ने हमें जो प्रोसेसर दिया, मुझे लगता है कि Redmi को अपनी टैगलाइन के अंदर इसके प्रोसेसर को भी मेंशन करना चाहिए था। जो ऐप्स ओपन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली ओपन होती हैं, इसके अंदर में किसी किस्म का कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। इसकी रिव्यू वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसका थोड़ा बहुत गेमिंग का टेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर है ये गेमिंग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल करता है। मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 2GB की रैम मिलती है, साथ में 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इसके अंदर हमें जो Redmi ने सिम ट्रे दी है उसके अंदर हम लोग डुअल सिम को यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हमें एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाती है मेमोरी कार्ड को डालने के लिए। एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट मिलती है, साथ में हमें Xiaomi का लेटेस्ट MIUI 12 देखने को मिल जाता है। यार ये जो MIUI 12 है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था। इसके अंदर हमें जो एनिमेशन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलती हैं। इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलती है उसके बारे में Xiaomi का ये कहना है कि इसके अंदर आप लोगों को धमाल बैटरी मिलती है जो कि 5000 mAh की बैटरी, साथ में हमें 10W की चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अब इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बैटरी है, और इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो आप लोग अच्छी तरह यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि हमें इसके अंदर जो बैटरी की परफॉर्मेंस मिलने वाली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस टैग के अंदर ओके स्मार्टफोन कंपनी हमें इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बैटरी दे रही है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस की, सो Redmi ने इसकी प्राइस रखी है 14,599 रुपये। अगर मैं बात करूँ मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की Redmi 9A के बारे में, तो यार एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि हर आने वाले नए साल के अंदर जब भी कोई Redmi की नई सीरीज़ आती है, उस सीरीज़ के अंदर Redmi हमें जो चीज़ें ऑफर कर रहा होता है किसी भी प्राइस टैग के अंदर, वो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए जो कंपटीशन है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड करता वो जा रहा है। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड मुझे ये चीज़ का टोटली तौर पर आइडिया है कि Redmi ने इसकी प्राइस को 15,000 से नीचे रखने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, और उन्होंने सक्सेसफुली इसको 15,000 से नीचे लॉन्च किया। इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, कल हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले के अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, जो फीचर्स मिल रहे हैं, वो वाकई में इस प्राइस टैग के अंदर इसके डिस्प्ले को कमाल डिस्प्ले बनाते हैं। आप लोग मार्केट को भी अगर स्टडी करोगे तो आप लोगों को इस प्राइस टैग के अंदर इन फीचर्स के साथ और कोई भी कंपनी इस किस्म का डिस्प्ले ऑफर नहीं कर रही। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल रहा है MediaTek Helio G25 जो कि एक परफॉर्मेंस डेडिकेटेड प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस टैग को लेकर। अगर हम लोग बैटरी को भी देख लेते हैं तो काफ़ी बड़ी इसके अंदर हमें बैटरी मिल रही है। तो ओवरऑल इस प्राइस टैग के अंदर Redmi ने हमें एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज ऑफर किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये फ़ोन लगा। अगर हम लोग इसके प्राइस टैग को कंसिडर करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील यहाँ पर मिल रही है। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय करना चाह रहे हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया, आप लोग उस लिंक के ऊपर जाकर इसके बारे में मज़ीद डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने बाय करना तो आप लोग बाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो को ख़त्म करने से पहले नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आप लोगों के क्या इनिशियल थॉट्स हैं स्मार्टफोन को लेके। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसकी जो रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन के मैं आंसर फुल डिटेल के अंदर दे दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।